हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची लिस्ट में नाम रहेगा तभी आपको सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो सरकार आपको घर बनाने के लिए पैसा नहीं देगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ 2019 की सूची लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाता है। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, प्रेस कर लीजिए ताकि आपको यूट्यूब से ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल को जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल में iaoi.nic.in लिखते आपको सर्च करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपली जाकर इस पेज पे जाकर आप पहुँच सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है थ्री डॉट, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड मोड देना है ताकि कंप्यूटर ऐसा ओपन आ जाए, आपको सब कुछ सही तरीके से यहाँ से दिखाई दे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जूम करके यहाँ दिखला देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा आवाज़ सॉफ्ट, आवाज़ सॉफ्ट पे क्लिक करना है। आवाज़ सॉफ्ट पे जैसे क्लिक करें, यहाँ पे सेकंड में है रिपोर्ट का ऑप्शन है, रिपोर्ट पे क्लिक करना। रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपके पास दूसरा पेज खुलकर यहाँ पे आपके पास देखने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर की साइड यहाँ पे ले जाना। यहाँ पे लिखा ESECC रिपोर्ट्स, नीचे में लिखा चार नंबर में कैटेगरी वाइज SSC डाटा वेरिफिकेशन सबमिट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स 2019 की लिस्ट दिखाई जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा पेज खुलकर ओपन होगा। यहाँ पे चलिए यहाँ से मैं देख लूँगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑल स्टेट पे क्लिक करना, यहाँ पे पूरे स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। जो भी स्टेट का आप यहाँ पे देखना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। जैसे स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के का, जो भी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी, वो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर से आपके पास दूसरा यहाँ पे खुल कर आएगा। यहाँ पे आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ये ब्लॉक जो भी देखना चाहते हैं वो ब्लॉक को यहाँ पे क्लिक करेंगे। ब्लॉक को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है, पूरे पंचायत की लिस्ट आ चुकी। जो भी पंचायत का आप देखना चाहते हैं वो पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं पंचायत के यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको माइनस प्लस का ऑप्शन आएगा, माइनस प्लस आपको जो आएगा आंसर यहाँ पे देना है। ये आपको नहीं समझ में नहीं आता, यहाँ पे रेफरेंस आपको देना है। फिर से आपको दूसरा यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 40-29 कितना आता है यहाँ पे आंसर दे देना। चलिए यहाँ से मैं आंसर देता हूँ 40-29 कितना आता है, यहाँ पे क्लिक करना। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी लिस्ट खुलकर आ चुकेगी। उसको ऊपर की साइड यहाँ पे ले देना फ्रेंड्स। यहाँ पे आ चुका लिस्ट, यहाँ सीरियल नंबर आ गया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट नाम आ गया, यहाँ ब्लॉक नाम आ गया, यहाँ पे पंचायत नाम आ गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यहाँ पे बेनिफिशरी नेम आ गया, यहाँ पे आपको फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे मदर नेम आ जाएगा, यहाँ कैटेगरी आ जाएगी, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है। एग्जांपल के मैं कोई रजिस्ट्रेशन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके आपको पूरी डिटेल्स पे दिखला देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्टेट नेम आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, ब्लॉक नेम आ जाएगा, यहाँ पे पंचायत नेम आ जाएगा, यहाँ पे विलेज आपका आ जाएगा। और भी डिटेल्स चेक करने के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ फादर हस्बैंड नेम आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे फैमिली मेम्बर आ जाएगा, यहाँ पे और भी डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे ये यूको बैंक में ये पैसा आपका घुसेगा, ये इंदिरा आवास वाला पैसा यूको बैंक में आपका पैसा आएगा। यहाँ जिसको पैसा मिलता है यहाँ पे इसके घर का फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पे ये इसको मिलता है यहाँ पे घर का फ़ोटो आएगा। ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कितना पैसा इसको मिलेगा यहाँ पे सब शो कर जाएगा। इसका पैसा तो अभी यहाँ पे नहीं मिला है, देखिए पैसा यहाँ पे शो नहीं कर रहा पैसा यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे दूसरा दिखला दे रहा हूँ, मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया, यहाँ पे फादर हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा बैंक में पैसा घुसता है, यहाँ पे इको बैंक आ जाएगा, यहाँ पे IFSC कोड हाइड कर दिया है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको खुल कर आ जाएगी। यहाँ पे कितना पैसा मिला है, यहाँ पे 40-40 तीन बार करके 1,20,000 रुपये इसको मिला है। कितने कितने डेट तारीख को मिला, यहाँ पे डेट तारीख यहाँ पे शो कर जाएगा। 16/8/2018 को मिला, इतने इतने डेट को यहाँ पे तीन बार पैसा मिला। यहाँ पे फ्रेंड्स के घर की फ़ोटो आ जाएगी, जिसको ये व्यक्ति को पैसा मिल जाए यहाँ पे इसके घर का फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे लोकेशन भी इसका ढूंढ सकते हो, कहाँ पे इसका घर पड़ रहा है। यहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकेशन इसका आ जाएगा, कहाँ पे इसका घर पड़ता है। यहाँ पे इसका डेट तारीख यहाँ पे शो कर जाएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे इसको शो कर जाएगी। और भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर एक पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल्स खुल के आ जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे
यहाँ जो सो बैंक जो बैंक में पैसा गया यहाँ पे बैंक यहाँ पे शो कर देगा यहाँ पे। ये पैसा तो उसको नहीं मिला, यहाँ पे कोई पैसा यहाँ पे शो नहीं कर रहा। पैसा अगर मिलेगा यहाँ तो पैसा यहाँ पे शो कर देगा, ऐसा घर का यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपना चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।